Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Cargo.in Presents Saturday Startup. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. लास्ट वीक हम लोग मिले डोनल बिश से, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें जाना उनकी लाइफ के बारे में और उनके लाइफस्टाइल के बारे में. हमने ये भी जाना कि वो इतनी सी उम्र में इतनी सक्सेस कैसे हासिल कर पाई. हमारे आज के गेस्ट थिएटर की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने ना सिर्फ थिएटर में बल्कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी बहुत नाम कमाया हुआ है. द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल, द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल 2 और आर्टिकल 15 जैसी मूवीज में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया. अभी हाल फिलहाल में मिर्जापुर वेब सीरीज में रति शंकर शुक्ला का किरदार निभाने वाले इस एक्टर ने हम सबके दिल जीत लिए. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल मिस्टर सुप्रज्योति भरत. लेट्स कनेक्ट विद हिम. Hi Shubhajyoti ji, how are you? I'm fine, how are you? Namaste, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ. हमारे सारे व्यूअर्स बहुत टाइम से एक क्यू में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं इस इंटरव्यू के लाइव होने का. एंड दे हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू नो हु यू आर. यू प्लेड सच फैंटास्टिक एंड इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स एंड क्या आपकी परफॉर्मेंसेज रही हैं. लोग जानना चाहते हैं इस कैरेक्टर के पीछे इंसान जो है वो एक्चुअल लाइफ में है क्या. तो मैं जानना चाहूंगा व्हाई एंड हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन. ओके, थोड़ा लंबा होगा आंसर, तो चल पाएगा? हाँ सर, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, लोग, मेरी जिंदगी तो काफी लंबी है ना. हाँ, तो लोग ईगर हैं. तो ऐसा था कि मैं बनारस में था. मेरी स्कूलिंग बनारस में हुई क्योंकि हमारा जो पुश्तैनी घर है वो बनारस. और फिर मैं कॉलेज के जमाने से मुंबई में था. और ये थिएटर का सिलसिला जैसे कि अमूमन होता है कई लोगों का, जब मैं मेरे ख्याल से 12th में था उस वक्त इसका एक थोड़ा सा एमेचर नाटक के जरिए से इसका एक चस्का चढ़ा जिसको कहते हैं. अच्छा. उसका शौक पैदा हुआ और फिर वो नशे की तरह हो जाता है. थिएटर करता रहा बहुत सालों तक. 93 में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था. उस वक्त मैंने नादिरा बब्बर जी की ग्रुप है, एक जूट थिएटर ग्रुप, बम्बई का काफी एक मशहूर ग्रुप है, वहाँ काम करना शुरू किया उनके साथ. और मैं 2007 तक लगातार मुसलसल उनके साथ काम करता रहा. मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था कि मैं मीडिया में एक्टर बनूंगा. अच्छा. क्योंकि हमेशा से ये था कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ. ओके. और एक्टिंग करना, क्योंकि थिएटर करने का एक हिस्सा है, एक्टिंग एक धुरी का काम है थिएटर में. आप एक्टिंग से बच नहीं सकते. अगर आप प्लेराइट भी बनते हैं तो कभी ना कभी आपको नाटक में अभिनय तो करना पड़ेगा, तभी आप नाटककार बन सकते. तो उस तरीके से तो मैं अभिनय भी करता था, लेकिन अपने आप को सिर्फ अभिनेता के रूप में कभी देखा नहीं उस वक्त. कुछ 4-5 साल पहले से मैं ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा कि मैंने बहुत सारा अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है ना अभिनय एज अ क्राफ्ट उसके तरफ देने लगा. और सर ये हुआ कि पिछले कुछ 2.5 साल पहले से मैंने एक्टिवली फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम, उससे पहले मैंने किए हैं काम, लेकिन वो बहुत ही मतलब टूट के ऐसा था कि किसी दोस्त ने बुला लिया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुसलसल जा रहे थे मीडिया में, तो उनमें से कभी कोई बुला लेता था किसी काम के लिए तो चला गया, कोई काम कर लिया, उस तरीके से काम किया. कभी भी एक लगातार एक्टिवली प्रोएक्टिवली उसमें जैसे उसको एक करियर के रूप में देखना और काम करना ये किया नहीं था. ये पिछले कुछ 2-2.5 साल से शुरू हुआ. और मेरी खुशकिस्मती है कि थोड़े बहुत ठीक ठाक काम करने को मिले, तो कोशिश जारी है कि अच्छा काम कर पाऊँ.
यही इतना ही है. वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग. बिल्कुल जैसे आपने बताया कि एकदम बिल्कुल आपने एक छोटे लेवल से एक्टिंग शुरू की एंड कभी इतना मतलब इतना फोकस रहा कि आपको एक्चुअली इतना हिट परफॉर्मेंसेस भी आपने की हैं. जैसे आपने मिर्जापुर में जो परफॉर्मेंस लोगों ने देखी है, बहुत सराहना की है उसकी, आर्टिकल 15 में देखी है. एंड वैसे जनरली अगर एज अ ट्रेंड मैं पूछूं, व्हाट डू यू सी दिस टीवी शो, टीवी सीरीज, जो वेब सीरीज चल रही है आज की डेट में वर्सेस फिल्म्स का, इनका क्या आपको लगता है, क्या व्हाट इज द चेंज दैट इज अबाउट टू हैपन? आई थिंक ये एक दूसरे के परिपूरक हैं. दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. दे विल नॉट बी इन कॉम्पिटिशन. अभी फिलहाल इन द शॉर्ट टर्म दे माइट बी कम्पीटिंग फॉर द ऑडियंसेस अटेंशन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ, कि एक वायरस फैला हुआ है, लोग घरों में बंद है, थिएटर्स कब खुलेंगी पता नहीं. तो ऐसे में लोग जो है अपने फोन पे और टीवी पे ही पूरी तरीके से जो है ना, और कंप्यूटर स्क्रीन पे ही बैठे हुए हैं, तो वो वेब सीरीज देख रहे हैं. उससे फायदा हम जैसे छोटे मोटे फुटकर कलाकारों को हो रहा है, क्योंकि हमको जिस जो कोई नहीं जानता था वो वेब सीरीज के जरिए से लोग जान रहे हैं. लेकिन एक जो सिनेमा होता है, जो एक लार्जर देन लाइफ एक स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है, right. और जो हम एक साथ बैठ के, कई सारे लोग एक साथ बैठ के उस पूरी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं कि वो रिप्लेस हो जाएगा वेब सीरीज. ऐसा होगा कि वेब सीरीज के जरिए से कई सारे जो बहुत अच्छे कलाकार हैं या अच्छे टेक्नीशियंस हैं, वो शायद फिल्मों में फिर काम करेंगे, उनको काम मिलेगा और वो बहुत बेहतर काम कर पाएंगे. जी. या थीमेटिकली शायद फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, क्योंकि वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी को देख के फिल्म प्रोड्यूसर्स ये हिम्मत कर पाए कि थोड़े इनोवेटिव सब्जेक्ट्स पे काम करें. Correct. जो कि हो रहा है ऑलरेडी. आप देखिए आयुष्मान की फिल्में अगर आप देखेंगे तो कितने सारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे उन्होंने, लाबो से ताबो भी दे आर लॉन्चिंग ऑन ऑनलाइन मीडियम. जी जी जी. क्या 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 कहा आपने? वो एक गुलाबों से ताबों की उनकी मूवी आ रही है, वो भी ऑनलाइन मीडिया ही लॉन्च कर रहे हैं. हाँ, वो ऑनलाइन, वो तो खैर देखिए बिजनेस डिसीजन. हाँ, अभी गुलाबों से ताबों अभी बन के तैयार है फिल्म. अभी अगर साल भर थिएटर्स नहीं खुले तो, अगर थिएटर्स खुल भी गए, लोग डर के मारे नहीं गए तो. जी 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 जी. तो इसलिए वो उसको रिलीज कर दे रहे हैं उसमें, और वो अच्छी बात है. देखिए ना, आप घर में बैठे बैठे, और आजकल अगर ये फिल्में नहीं होती, वेब सीरीज नहीं होती, लोगों का क्या होता क्या, आप सोचिए. बिल्कुल, घर में बैठे हुए हैं. मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं वो ऑफिस नुमा तो कोई जगह दिख रही है. जी, ये हमारा स्टूडियो है. मतलब अपने घर में नहीं है. मैं तो भैया अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ. नीचे जाना भी इतना मुश्किल है कि ऊपर आके सारे कपड़े बदलो, हाथ धो, पैर धो, डिसइंफेक्ट करो अपने आप को, दुनिया भर का जो है ना, तो नीचे भी नहीं जाता मैं अपने फ्लैट से. ऐसा है तो घर में बैठे बैठे. लेकिन देखिए, एक बात तो ये है ना कि अलग भटक रहा हूँ, लेकिन कि हम लोग कितना कंप्लेन करते रहते हैं कि यार इतना काम होता है, घर वालों को टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, जितनी जो है ना घर में फैमिली है, अगर माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वाइफ है, उनको टाइम नहीं दे पाते. अभी टाइम ही टाइम है. इस वक्त टाइम देने का किसी को सूझ नहीं रहा है. जो है ना, टाइम दे दे के बोर हो चुके हैं एक दूसरे से. मन कर रहा है कि घर से कैसे निकले. तो कोई भी चीज अगर इंसान को अगर कोई ज्यादा मिले तो उसको फिर उससे उत्ताहट होने लगती है. जी, तो मतलब आप एक ट्रेंड, चेंजिंग ट्रेंड देख रहे हैं सोशल मीडिया और अपना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स एंड गेटिंग मोर मैच्योर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड गोइंग. एब्सोल्युटली. ना, तो आप देख रहे हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड दिस इज गुड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री आल्सो, आई बिलीव. जी बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा अच्छा काम होगा तो जो अच्छा काम करते हैं जी या करना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एक नया प्लेटफॉर्म खुला है और उस प्लेटफॉर्म पे सारा काम हो रहा है. ये बहुत अच्छी बात है कि ये पॉपुलर हो गया.
इतना सारा इंडियन वेब सीरीज पॉपुलर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो लोग इस पे पैसे लगाए हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं, उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा उस पे और पैसे लगाने के लिए, राइट, दे विल इन्वेस्ट मोर। अगर अगर मान लीजिए फुस हो जाता ये पूरा मामला, तो कोई पैसे नहीं लगाता फिर, हाँ, तो ये चीजें आगे बढ़ती नहीं। लेकिन फिलहाल तो ये है कि बहुत पॉपुलर है, लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कई सारे, मुझे पाताल लोक बहुत पसंद आया, जयदीप अलावत का तो मैं थोड़ा सा फैन हूँ ही पहले से ही, तो मुझे बहुत पसंद आया। अभी बहुत रिसेंटली हमने बात की थी राजेश शर्मा जी से, जो ग्वाला जी बनते हैं, उनसे भी हमने काफी मोटिवेशनल बात की, एंड वो भी बता रहे थे वेब सीरीज के बारे में कि काफी अच्छा कंटेंट आ रहा है, बहुत सारी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं सबके लिए, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। बट उन्होंने भी आपकी तरह, जैसे आपने बोला कि सिनेमा पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज अ लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, और आई थिंक कंटेंट क्वालिटी पूरी इंडस्ट्री में ही बढ़ेगी, आई बिलीव बढ़ेगी बिल्कुल। वैसे सर, आपको सोशल मीडिया पे कोई ट्रोलिंग वगैरह का आप पे क्या इफेक्ट होता है? देखिए, नंगे को नहीं है डकैत का डर, हाँ, क्योंकि मैं जो है सोशल मीडिया में उस तरीके से हूं ही नहीं। अच्छा, हाँ, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, जो सबसे गाली खाने का जो सबसे बढ़िया जरिया है ना, वो ट्विटर है जी। हाँ, और कई लोगों को ऐसा मन करता है कि बहुत दिनों से मुझे अटेंशन नहीं मिला है, तो ऐसा कुछ लिख देता हूँ ताकि जो है ना मुझे अभी मिले सामने से थोड़े। तो मैं हुई नहीं ट्विटर पे, मेरे एक ट्विटर अकाउंट मैंने बनाया था जब मैं एक नाटक डायरेक्ट कर रहा था, उस नाटक को पब्लिसाइज करने के लिए मैंने सोचा था एक ट्विटर अकाउंट बनाऊं, लेकिन मैं इतना खराब हूं इस मामले में कि वो वैसा का वैसा बना पड़ा हुआ है उस पे। अच्छा। अभी तो मैं उसका पासवर्ड यूजर नेम सब भूल चुका हूँ। तो मैं हूं ही नहीं ट्विटर पे। जहां तक बाकी चीजें सवाल है, तो इंस्टाग्राम पे भी जो है ना बहुत सारा वो रोशनी और छाया के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाना, उसके लिए भी जो है ना एक खास तरह की एनर्जी चाहिए होती है, अब मुझ में वो भी कम है। अच्छा, देखिए एक फेसबुक ही है जिसपे मैं हूँ, और उसमें भी जो है ना बहुत सारे लोग, असल में मुझे लगता है सोशल मीडिया का ये हो गया ना, जैसे कि आप और मैं अभी इसके जरिए जूम या इस तरह के, जिसके जरिए ही सही, लेकिन एक दूसरे को देख के एक दूसरे के सामने बात करना। करेक्ट। अब जब एक दूसरे से रूबरू होके हम बात करते हैं ना, तो उसमें एक सर्टन एक कर्टिसी एक डिसेंसी का पर्दा जो है अपने आप आ जाता है, संस्कार है ना। बिल्कुल। हम जो है हम बहुत स्ट्रांगली अगर डिसएग्री करें, फिर भी जो है ना उस मर्यादा के बंधन को तोड़ के ऐसा कुछ एक दूसरे से नहीं कह पाएंगे। लेकिन ये फेसबुक ट्विटर ये सारे जो है ना, एक ऐसा आपको एनोनिमिटी देता है जिसके पीछे छुप के आप एक दूसरे को जो मन में आए जो कुछ भी है वो आप कह देते। मुझे लगता है कि, और बहुत स्ट्राइडेंटली लोग कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी मेरी उम्र बढ़ रही है, द मोर अनश्योर आई एम बिकमिंग ऑफ एवरीथिंग, you know, okay. पहले जितनी जवानी में मैं श्योर था हर चीज को लेके कि ये तो ऐसा ही है, अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, और मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ कि थोड़ा बहुत ज्ञान भी बढ़ा है उम्र के साथ साथ, उपलब्धियां भी बढ़ी हैं, तो उतना मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज के जो है ना कई सारे पहलू होते हैं, तो मैं अभी जो है ना आई एम नॉट श्योर अबाउट, तो इसलिए इतना स्ट्राइडेंट भी नहीं हो पाता हूँ कि ये ऐसा ही सही है और बाकी सारे गलत है, और ये जो मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है, वो वाला स्ट्राइडेंस भी जो है ना अभी आ नहीं पाता। तो शायद हम इलेक्ट्रॉनिक ये सारे सोशल मीडिया से थोड़े पीछे रह गए हैं शायद इस मामले में, जो है ना हमसे। राइट। अच्छा, आपको जब आर्टिकल 15 का पता लगा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? When it was offered to you, जब आपको वो ऑफर की गई मूवी, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने रोल समझा? ये हुआ यूं था कि मैंने इससे पहले अनुभव सर एक फिल्म बना रहे थे, जो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं, उसमें मुझे कुमुद मिश्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छा, उन्होंने मुझे, हाँ, तो उन्होंने
मेरा नाम रिकमेंड किया था एक रोल के अनुभव सर के पास। अनुभव सर से मैं मिला था उस फिल्म के सिलसिले में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि तो जो रोल के लिए कुमुद जी ने आपको कहा है वो रोल तो बहुत ज्यादा अच्छा रोल नहीं है, लंबा है, लेकिन मैं आपको जो है ना एक छोटा सा कैमियो देना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आप करेंगे। मैंने बोला बुरा मानने की बात ही नहीं है, मैं तो बोला बुला कुमुद ने कहा है आपके पास आया हूँ, जो भी रोल है। तो मैंने वो कर लिया था, 3-4 दिन का काम था, एक छोटा सा कैमियो था, वो मैंने किया था, मुझे बहुत मजा आया था उनके साथ काम करने। और अनुभव सर इज अ जॉय टू वर्क विद, मतलब वो जो है ना जिसने काम किया है वही जानता है कितना मजा आता है उनके साथ काम करने। तो वो 3-4 दिन 5 दिन मैं कुछ लखनऊ में गया और उनके साथ वो शूट किया और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनको शायद ये लगा होगा मैं भी कोई काम का आदमी हूँ, तो उन्होंने फिर आर्टिकल 15 के लिए मुझे बुलाया, फिर उनके साथ बैठे हम लोग बातचीत करते रहे और गप्पे मारते रहे, और उन्होंने बोला कि ये जो है आप ले जाइए स्क्रिप्ट और देख लीजिए, महीना भर रहना पड़ेगा लखनऊ में, तो आप देख लीजिए आपका क्या है क्या। तो मैंने कहा ठीक है आप स्क्रिप्ट तो दे दीजिए, तो स्क्रिप्ट लेके मैं गया घर पे, और घर पे जाते ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और वो इतना बढ़िया मुझे वो स्क्रिप्ट लगी कि मैंने तभी उनके जो एसोसिएट हैं विख्यात, उसको मैंने मैसेज किया कि विख्यात ब्यूटीफुल स्टोरी आई एम ऑन। ओके, हालांकि मुझे ये मालूम था कि वो इस रोल के लिए मुझे कह रहे थे जो रोल मैंने किया अल्टीमेटली, लेकिन अगर उसमें कोई भी रोल वो कह देते जो उससे छोटा भी है या कुछ भी है तो भी मैं शायद वो फिल्म करते हैं, क्योंकि मुझे वो कहानी थी पसंद आई थी और वो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही शानदार कहानी है। और मैं आपको बताऊं ये ड्राफ्ट जो है ना जो मैंने पढ़ा था उसके बाद कम से कम 5 से 7 ड्राफ्ट और बने। अच्छा, स्क्रिप्ट के। ओके, हाँ, तब जो फिल्म में आप देखते हैं और वो कॉन्स्टेंट एक प्रोसेस होता है उनका जिसमें वो फिल्म में जो है ना चीजें बदलती जाती है, कई सारी लाइनें जो मेरी हैं वो थी नहीं okay. वो वाली स्क्रिप्ट में जो सेट पे उन्होंने जो है ना या एक रात पहले जब वो फिर स्क्रिप्ट लेके बैठते हैं वो और गौरव सोलंकी ने मिलकर कई सारी लाइनें जो है ना जैसे वो दाग अच्छे हैं वाली लाइन है उसमें, जहाँ पे वो कहते हैं कि कपड़े खराब हो जाएंगे, यस यस, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा आपकी अम्मा मायने, तो मायने तो नहीं कहा लेकिन टीवी कहता है कि दाग अच्छे हैं, तो वो सारी लाइनें जो है वो बाद में उसमें उन्होंने इंक्लूड किया। तो बहुत ही मजेदार प्रोसेस, बहुत ही मतलब कमाल का प्रोसेस, और कमाल के वो डायरेक्टर हैं, इतने श्योर है अपनी चीजों को लेके, वो भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, उनको जितना शॉट टेकिंग उनकी जितनी मतलब उनको जितना लेना होता उतने ही वो शूट करते हैं। ओके, उसके आगे पीछे कुछ एक्स्ट्रा शूट नहीं करते कि जस्ट इन केस शूट करके रखते हैं, कई बार जो है ना एक टेक में ओके कर देते हैं, फिर उनके असिस्टेंट्स देखते रहते हैं सर और एक टेक सेफ्टी के लिए प्लीज सर, अरे यार तुमको परेशान, चलो और एक टेक चल कर लो उनको मतलब वो एक बार उनको जो दिख रहा है वो उनको मिल गया तो वो छोड़ देते हैं उसके। हालांकि एक्टरों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, बहुत मजेदार। मैं हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है, देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड वन वर्ड वन लाइन आंसर। इसमें आपसे क्विकली मैं बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी चीजें हमारे दर्शकों को बताएंगे। Are you ready for it? Sir, what is your strength and what is your weakness? My strength is my patience. Okay. And my weakness is my gullibility. Okay. Right. If you had access to a time machine, where and when would you go? मैं बनारस जाना चाहूंगा मेरे बचपन में, क्योंकि उसकी बड़ी अच्छी बचपन की तो सभी की अच्छी यादें होती हैं, लेकिन मेरी जो है ना बनारस मुझसे छूट गया है, तो इसलिए आई डोंट गो टू बनारस एनीमोर, हमारा जो पुश्तैनी घर है वो बिक गया, तो आई वुड लाइक टू गो टू बनारस। ओके, व्हिच कार वुड यू लाइक टू बाय एंड व्हाई? अरे कार, टेस्ला मॉडल 3, इलेक्ट्रिक कार है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, मिल नहीं रही है अभी यहाँ पे, हाँ अभी लॉन्च पता नहीं,
मैं अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकता भाई। अच्छा नहीं, लेकिन आपने ड्रीम कार के बारे में पूछा तो मैं टेस्ला मॉडल 3 इज अ वेरी नाइस कार। अच्छा, एक गाना जो आप कभी भी कितनी भी बार सुन सकते हैं। हिंदी फिल्म का गाना, कोई सा भी गाना जो आपका एक एवरग्रीन गाना हो, जो आप कितनी भी बार, जब भी बज रहा हो तो मतलब यू विल स्टार्ट जस्ट हमिंग। बहुत सारे गाने हैं, लेकिन अगर एक का नाम लेना है तो मेरे ख्याल से चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। अच्छा हाँ, वेरी नाइस सॉन्ग। अच्छा, फिल दिस लाइन, लाइफ इज शॉर्ट बट इट्स ब्यूटिफुल। वाओ, वेरी वेल सेड। डू यू लाइक सिंगिंग और डांसिंग? आई कांट सिंग, और अगर मेरे सर पे कोई बंदूक रख देगा तो भी मैं नाच नहीं सकता। मैं गाना पसंद करूंगा लेकिन मैं ट्यून में नहीं तो मैं, लेकिन आउट ऑफ दीज टू आई हियर अ लॉट ऑफ म्यूजिक, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट म्यूजिक। म्यूजिक इज, हु डू यू आइडलाइज इन योर प्रोफेशन? थिएटर में मेरे ख्याल से पीटर ब्रुक्स, और अभिनय में डैनियल डे लुइस एंड एंथनी हॉपकिंस एंड अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान एंड नसीरुद्दीन शाह, मतलब ऐसे जो है ना, एक का नाम बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अगर आपको अपनी जिंदगी में एक पर्सन से क ख घ करवाएं तो वो कौन है? ऐसा कोई है नहीं है सर में। अच्छा। जिससे मैं इतना ज्यादा जो है ना खफा हूं सर, कोई तो होगा। मुझे लगता है कि मैं, हमारा जो व्यवस्था है ना, उससे एक आध बार कखा कराना चाहता हूँ। अच्छा। कुछ कुछ मामलों में हाँ। जी। लेकिन वो भी नॉट इन वायलेंट टर्म्स, क्योंकि वो कक गग का जो आगे का हिस्सा है वो तो बहुत वायलेंस में एंड होता है। जी, लेकिन वायलेंटली नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम, जैसे हमारा कोरोना वायरस का रिस्पॉन्स ही है मान जी, जो है ना, जो जिस तरीके से इन्होंने उसका रायता फैलाया है जी, मुझे वो बहुत ही अजीब लगता है कि अब जो है ना, आजकल तो टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं इस डर के मारे कि नंबर्स बढ़ जाएंगे। Right. और ज्यादा लोग डिटेक्ट होंगे तो हॉस्पिटल में बेड्स तो है नहीं, क्वारंटाइन फैसिलिटीज में भी बेड्स नहीं है, तो कहाँ रखेंगे जी। तो इस डर के मारे टेस्ट भी कम कर दिए हैं, जितने कर सकते हैं उतने नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो पहले से बढ़ाई है लेकिन उतने नहीं कर रहे हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स है तो उससे नफरत है, उससे बहुत परहेज। सिनेरियो को से ही आप कगा करवाएंगे? हाँ, अगर करवा सका, हालांकि मैं बहुत ही अदनासा इंसान हूँ, हमारी क्या औकात, यही किसी ने सुन लिया और वहां जाके किसी सरफिरे ने FIR लॉन्च कर दिया तो ये गोरेगांव के पुलिस स्टेशन में मुझे रोज हाजिरी देने जाना पड़ेगा मास्क पहन के। हमारी तो आजकल ये हालत है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर वन वर्ड वन लाइन सेशन। बहुत ही अच्छे आपके जी, बहुत मजेदार सवालों के आपने मजेदार से जवाब दिए। जो ऑडियंस अभी देख रहे हैं दे वुड बी जस्ट लविंग दिस कॉन्वर्सेशन। कुछ एक क्वेश्चंस आपसे और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे ये कोरोना खत्म हो जाता है, एक बढ़िया सी अगर आप पार्टी रखते हैं अपने क्लोज वंस के साथ तो कहाँ करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो मुंबई में रहता हूँ ना, जी, और यहाँ पे जगह की बड़ी समस्या है। मतलब पार्टी करने के लिए जो है ना, सबसे एक बड़ा डिस्कशन इस बात पे होता है कि वेन्यू कहाँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वेन्यू का ही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मैं तो घर पे बुलाना चाहूंगा अपने दोस्तों को जी, और उनके परिवारों को। हालांकि मेरा घर बहुत छोटा है, कितने लोग एक बार में समाएंगे पता नहीं, तो मैं शायद एक सीरीज ऑफ पार्टीज कर लूंगा जिसमें जो है ना 3-4 दिन लगातार जो है मुसलसल हमारे दोस्त आते रहे,
जी। और साथ में बैठे मतलब जमाना हो गया, ऐसा लग रहा है सैकड़ों साल हो गए एक साथ बैठ के बातचीत की। जी जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अच्छा वैसे अगर जब आप when you are not working, you are not doing theater or films, what do you do generally? जो कोरोना वायरस ने जिसके साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी निभाई वही काम मैं करता हूँ, वो है दोस्तों से मिलके बातचीत करना। मैं बहुत गप्पे लड़ाता हूँ दोस्तों के साथ मिलके। अच्छा। हाँ, जिसपे सबसे बड़ा वार हुआ है कि आप किसी से मिल नहीं सकते, जो है ना मेरा एक एंटरटेनमेंट जब से मैंने थिएटर शुरू किया वो ये रहा कि मैं जो है ना मैं मतलब अपने 20s, 18, 20s कभी ना डिस्को में गया ना कुछ किया, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दोस्तों के साथ मिला और दोस्तों के साथ बैठ के जो ना बैठके यहाँ बहुत लगाई, तो वो मुझे करना भी बहुत पसंद है। तो एक तो वो बात है, दूसरा मैं ये करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। देखने का धैर्य मुझ में बहुत ज्यादा नहीं है। कई बार ये होता है कि मैं फिल्म देखना शुरू करता हूँ लेकिन आधे घंटे एक घंटे के बाद जो है ना मेरा धैर्य टूट जाता है। वन गो में बैठ के 2-2.5 घंटे की फिल्म मैंने, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए मैं इसी प्रोफेशन में हूँ लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ। ये शायद मेरी अपनी शख्सियती कमजोरी है। अच्छा। तो, लेकिन आजकल देखने का पढ़ने का फिर भी धैर्य बना हुआ है तो पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत और म्यूजिक सुनता हूँ। कुछ आपके कुछ हिंट देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं या वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं ही आजकल एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा हुआ हूं क्योंकि ये कोरोना ने जो है ना ऐसा सारे जितने भी हमारे आगे के प्लानिंग थे तो वो जो बातचीत चल रही थी मान लीजिए जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनका क्या स्टेटस है, वो कब शुरू हो पाएंगी या अभी होंगी भी कि नहीं, क्या उसके बारे में नए डिसीजंस है, उसके बारे में मुझे अभी कुछ बहुत ज्यादा इत्तला नहीं है। आई वॉज डूइंग अ वेब सीरीज बिफोर द लॉकडाउन हैपेंड, होपफुली दैट विल कैरी ऑन टिल द एंड। हाँ वो खत्म हो जाएगा, 1-1.5 महीने और काम बाकी है मेरे ख्याल से, तो वो खत्म हो जाएगा। बाकी एक फिल्म की क्राइम और व्हाट इज द जॉनर ऑफ दैट वेब सीरीज? क्राइम ही है, देखिए आजकल जो है ना क्राइम लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। हाँ तो सब क्राइम ही है लेकिन ये है कि उससे मैं बच गया हूँ। वो एक जो है ना आजकल क्या हो रहा है ये वेब सीरीज क्योंकि यंग लोगों की का मीडियम है ऐसा कहा जाता है। जी जी। तो दो तरह के बाप होते हैं वेब सीरीज, या तो फ्रेंड फादर राइट जो अपने बेटे को दस, या नहीं तो गोफी फादर जो बेवकूफाना हरकत करते हैं। जी। तो वो भी जो है ना एक स्लॉट हो जाने के चांसेस हैं कि अब बाप का रोल मिला ना, या तो आप फ्रेंडली फादर होंगे या आप गोफी फादर होंगे। Correct. तो उस जगह से मैं थोड़ा सा बचा हुआ हूँ। अभी तक मुझे गूफी फादर और फ्रेंडली फादर में बहुत ज्यादा आए हैं लेकिन ज्यादा नहीं उसके ऑफर्स आए हैं। भला हो रतिशंकर शुक्ला का कि जो मेरा मिर्जापुर का कैरेक्टर है उसके चलते मुझे जो है ना थोड़े से उस तरह के अलग थोड़े से कैरेक्टर्स के ऑफर्स आते हैं। तो इसमें ये जो मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ इसमें भी थोड़ा सा है, हालांकि एक 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 ड्रामा है, इट्स अ ह्यूमन ड्रामा अबाउट अ फैमिली, बट उसमें जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस वजह से मैंने उसको करना कबूल किया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और करने में मुझे शूटिंग पे भी बहुत मजा आता है, करते हैं कुछ कुछ इंप्रोवाइज कर लेने में, कुछ कुछ उसमें नया सोच लेने में, उसमें मजा ही आता है। तो वो आएगा। उसके अलावा एक फिल्म की बात चल रही थी साहब, अब पता नहीं उसका क्या स्टेटस है, जो डायरेक्टर हैं वो हमारे दोस्त ही हैं, उनसे बातचीत होती है लेकिन अल्टीमेटली लगाम तो प्रोड्यूसर के हाथ में होता है जो पैसे देता है फिल्म बनाने के लिए। तो वही बताएगा कब हम शूट कर पाएंगे। उसमें पंकज त्रिपाठी हैं। अच्छा। ये मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी मैं एक्साइटेड था कि पंकज जी के साथ काम करने को मिलेगा मिर्जापुर में, हालांकि हम दोनों थे लेकिन मिर्जापुर में मेरा उनके साथ सीन्स बहुत सारे नहीं थे, तो उनके साथ फिर से काम करने का मौका मिलेगा ऐसा सोच।
उम्मीद। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द कोविड वॉरियर्स? मैं क्या मैसेज दूं? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जबरदस्त काम जो है ना इन्होंने किया है, और यही है हमारी उम्मीद। हम लोगों ने जो है ना, हमें 70 साल की आजादी ने सिखाया है कि हम सरकारों से कम उम्मीद रखते हैं तो हम महफूज रहते हैं। तो ऐसे में जो लोग काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, चाहे वो हेल्थ केयर गिवर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, जो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, इवन द पुलिस फोर्स, अगर आप देखेंगे कि उनके उनके हाथ में कोई डिसीजन तो है नहीं। उनको कह दिया गया अगर कि कर्फ्यू लगाइए तो वो कर्फ्यू लगा देते हैं। जी, उनको कोई उनको कहा जाता है, वो तो डिसीजन लेते नहीं। अब उस कर्फ्यू में जहाँ पे इस तरह का एक भीषण वायरस फैला हुआ है, वहाँ नाक में रुमाल बांध के, मुंह पे रुमाल बांध के वो दिन भर की ड्यूटी कर रहे हैं, और ये महीनों से किए जा रहे हैं। तो मतलब मैं अपने आप को अगर उनके उनके बगल में अपने आप को रखता हूँ तो अपने आप को बहुत छोटा पाता हूँ उनके मुकाबले। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं, और वो कभी टीवी में नहीं आएंगे, वो कभी उनको जो है ना एक उनको एक हुजूम के तरह पकड़ा जाएगा कि देयर हेल्थ केयर गिवर्स, बट वो इंडिविजुअल कौन है उसके पीछे, वो इंसान कौन है, उसके घर में कौन है, उसके परिवार में कौन है, वो कैसे जी रहा है, वो घर जाता है तो अपने बच्चे से मिल पाता है कि नहीं, वो हम जानेंगे भी नहीं, हम जान भी नहीं पाए। तो मैं तो सलाम ही कह सकता हूँ उनको जो है ना, और क्या कहूँ। Wow, what a beautiful message. Thank you so much, sir, for joining us today. बहुत सारे लोगों ने ये शो देखा एंड काफी इंस्पायरिंग आपने बातें की, और मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके बारे में लोगों ने बहुत अच्छे से जाना। I really thank you for joining us today. And अगर आप सभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में सुभ्रज्योति जी के लिए क्वेश्चंस ज़रूर भेजें। आई विल मेक श्योर कि वो क्वेश्चंस उन तक पहुँचें। बहुत मज़ा आता है उनको भी लोगों से इंटरेक्ट करने में, जैसा कि उन्होंने बताया। एंड हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड लोगों के साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली सब के साथ शेयर करें, सो दैट सर का मैसेज हम सभी के सामने और खुल के आ सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दिस वॉज मिस्टर सुभ्रज्योति भरत, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट अगले हफ्ते एक और बहुत अच्छे सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा, जिनके साथ भी हम करेंगे बहुत सारी मजेदार बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन, नमस्कार।